तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग सुबह 9 बजे से शुरू होता है। गाइस, मैं और हर्ष अभी ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं और रवि और जतिन वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो गाइस, आज यहाँ रात से ही काफी तेज बारिश हो रही है। दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। तो सुबह हम लोगों को उठने में भी लेट हो गया, वही हम 6 साढ़े 6 पे उठते थे, आज वही 8 साढ़े 8 पे उठ गए। तो मैं और हर्ष जल्दी उठ गए, तो हम ब्रेकफास्ट करके आ गए, वो लोग उठे नहीं थे, तो अभी वो अभी गए हैं करने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और तब तक का हमारा दूध आ चुका है, हम लोग उनके अंत तक का दूध वगैरह गर्म कर देते हैं। और बारिश से एक प्रॉब्लम ये हो जा रही है, अपनी ड्रेस से कल धोई थी कि अभी भी ऐसी टंगी है, और कल तक का अगर नहीं सूख पाई है, वैसे भी लगभग 90% तो सूख गई है, और अगर कल तक का ये नहीं सूख पाई तो फिर मेरे को अपनी नई ड्रेस निकालनी पड़ेगी, दूसरी वाली। आई होप ये सूख जाए तो वो वाली निकालनी नहीं पड़ेगी, इसी को प्रेस करके पहन लूँगा। तो पहले करते हैं दूध गर्म, और दूध गर्म भी कैसे करें यार, कल कैटल थी उसमें दूध गर्म किया, उसको लोगों ने धोया ही नहीं। सो पहले हर्ष से मैं कैटल धुलवाता हूँ, उसके बाद दूध यही गर्म करेगा, क्योंकि कल मैं अपने हिस्से का पूरा कर चुका था। और ये देखो, इसको हर्ष को यहाँ पर बैठ के आराम से मस्त से मेरा कल वाला व्लॉग देख रहा है, जो भी आज सुबह आया है। चलो इसको देखने देते हैं, बाकी तब तक ये मेरा व्लॉग देख रहा तो मैं ही धो देता हूँ कैटल, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, कैटल तो मैंने धो दिया है, और धोए किसे बताऊँ मैं, कल हमने भाई से चूना मंगाया था कि भाई चूना ले आना कपड़े धोने के लिए, और ये क्या लेके आया, ये नहाने वाला लेके आया। चूना है? हाँ, बर्तन धोने वाला है ये। अबे जय, नहाने वाला होता है, नहा के मैल निकालते है इससे, ऐसा होता है। बंदा भी कंफ्यूज है, ये हमारा भाई चूने की जगह पे इसको ले रहा है, और हमने भी इसी से धो दी है कैटल, क्योंकि कैटल हमारी ज्यादा गंजी तो होती नहीं, जो दूध का हल्का फुल्का होता है मलाई टाइप, तो वो इससे हम साफ कर लेते हैं। कोई नहीं, काम आ जाएगा, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ना इसकी बारी थी कैटल धोने की, मैंने धोई है। बस अभी रवि को एक नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि उसने KBC में काफ़ी पैसे जीत लिए, और हमने वो नंबर का कंट्री कोड देखा, तो वो कंट्री कोड पाकिस्तान का है। मैं आपको पूरा मैसेज सुनाता हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है रवि की उसमें। नमस्कार सर, सर मैं KBC से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज, जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को KBC से कांग्रेचुलेशन, वादाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL और जियो कंपनी, 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सअप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे, तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। सो गाइस, मैसेज जिस नंबर से आ रहा है मैं वो नंबर दिखाता हूँ। रवि तो उसको कॉल कर रहा था, रवि को पहले से पता था, पर वो ऐसी हंसी मजाक बकैती करने के लिए वो कॉल कर रहा था, पर मैंने उसको रोका है, क्योंकि वो दिखा तो मैंने इसको रोका क्योंकि इसलिए क्योंकि देखिए कंट्री कोड, देखिए 92 कंट्री कोड आपका 92 से स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने अभी गूगल करा इसको 92 कौन सी कंट्री का कोड है, तो मेरे को गूगल में शो हुआ कि पाकिस्तान का है। तो हमारे रवि भाई के कॉन्टेक्ट पाकिस्तान तक का है यार। तो अभी पहले मैं चाय बना लेता हूँ, चाय पीते हैं, क्योंकि रवि को अगर चाय बनाने को दे नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार जब रवि को हमने चाय बनाने को बोला था, इसने गर्म पानी में चीनी डाल के दी थी हमको, तो और चाय बर्बाद हुई थी वो। तो आज चाय मैं बना रहा हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। बाकी ऊपर मैं इससे काली मिर्च भी ला रहा हूँ और लौंग भी ला रहा हूँ। ये रही हमारी काली मिर्च और लौंग, इलायची हमारी में है। ये रही हमारी काली मिर्च, वो गिरेंगे भाई, ये आपको इलायची भी देते हैं, दो तीन, दो पांच काली मिर्च, लौंग डाल देते हैं, एक लौंग भी डाल दी। तो दोस्तों हम काली मिर्ची कुछ ऐसे जुगाड़ से पीस रहे हैं, ऐसे ना ऐसे ही थोड़े ना बन जाते इंजीनियर, क्यों भाई? जी 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 तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे मसाले तैयार हो रहे हैं चाय के।
हम लोगों ने आज से कैंटीन में जाके चाय पीना इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ खर्चा बहुत हो रहा था। 10 रुपये की चाय पीते थे और 70-80 रुपये का वैसे खा के आ रहे थे। डेली 100-150 रुपये का खर्च हो रहे थे। अब बैंक अकाउंट भी खाली हो गया जो घर वाले भेजे थे। अब अगले महीने तक कैसी चाय बना के भी पीनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं चीनी हमने हमारी मेहंदी वाली कीप में रख ली है। इससे धीरे धीरे चीनी निकाली जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी चाय उबलनी शुरू हो गई है। अब इसमें पहले मैं इलायची डालता हूँ, दिखाते हैं आपको। और इससे हम बोल रहे थे इसमें दूध कम हो गया। इस बंदे से हम बोल रहे थे कि भाई साहब चाय बना दे, सुबह से पढ़ाई कर रहा है और अभी गेम खेल रहा है। बिगड़ गए, काम के लायक का बंदा नहीं है। अबे तू है, बर्तन वर्तन धोता नहीं है। अबे तू क्या है, ये देखो चाय हमने बना के तैयार रख दी है। एक सारे घोड़े बेच के सोया है वो, पूरे एरिया के घोड़े बेच दिए उसने। एक मेरा साला वीडियो बनाने में मेरा असिस्टेंट बनाता है। बहुत अच्छी है वीडियो जो भी बनी है, मैंने बना रही थी। चलो चाय तो हमने पी ली और उसके बाद एक आधे घंटा मस्ती मजाक में निकल लिया। फिर हमारे संजय भाई हैं, संजय भाई बोलने लगे चलो कॉफी पीते हैं। तो आप कॉफी लाए कौन, बाहर बारिश हो रही है, इतनी बारिश में कॉफी लाए कौन। पहले मेरे से बोल रहे हैं योगी तू और हर्ष ले जाओ, पैसे मैं देता हूँ। तो फिर जैसे तैसे हमने रवि को बना रखा है, रवि और संजय भाई जा रहे हैं कॉफी लेके आएंगे। So guys, ये था हमारे रूममेट्स हमारे दोस्तों का डांस का। तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। So guys, अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि हर्ष तो गया अपने दोस्त के यहाँ, वो बाकी जतिन और रवि वो पहले से लगे खाना खाने के लिए। मैं जरा कुछ काम कर रहा था तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुम लोग जाओ। सो अब मेरा काम वगैरह हो गया है तो मैं जाता हूँ खाना खाता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर ऐसे ही टाइम पास करेंगे या पढ़ाई वगैरह जो भी कर। फिर उसके बाद हमारे जतिन भाई दूध और कॉफ़ी ला रखे हैं, बोले थे रात को बनाएंगे। सो खाना खा के आने के बाद वही 9, 9:30 बजे के अप्रॉक्स कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पियेंगे, फिर सो जाएंगे। यूजुअली लोग तो कॉफ़ी इसलिए पीते कि उनको नींद ना आए, तो उन्हें अगर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी हो, पर हमारा तो ये कि कॉफ़ी पी के हम सो जाएंगे। अगर नींद आई तो नहीं भी आई तो कोई नहीं, कॉफ़ी तो पियेंगे, आज ही पियेंगे, नहीं तो दूध ख़राब हो जाएगा यार। सो गाइस मैच में तो आ गया हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ मेरे अंत तक का मैच कोई खाली और किया। ये दो मेरे रूम के बंदर हैं, अपने भाई हैं, दो भाई और बैठे हैं, ये दो मेरे रूममेट हो गए, और बाकी ले लिया खाना। तो गाइस खाना मैंने भी ले लिया, अब जाते हैं आराम से खाते हैं। लेट माने का एक फायदा भी होता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, कोई लाइन में लगना होता है, किसी का हल्ला गुल्ला सुनना नहीं, चुपचाप से अपना आराम से आओ खाओ और चलते बनो। चलो खाते हैं खाना। सो गाइस डिनर किया हुआ है हमें, लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है। उसके बाद अभी हम पी रहे हैं कॉफी। सो अब वक्त आ गया आपसे अलविदा लेने का, तो आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना करवाना ना भूले। थैंक यू।